हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नाइन ऑफ ऑटोडेस माया ट्वेंटी ट्वेंटी बिगिनर्स सीरीज सो गाइज प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेसिक बॉक्स मॉडलिंग के बारे में बात की हम लोगों ने देखा सारे ऑप्शन बॉक्स मॉडलिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है ठीक है और हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ें देखी जैसे ग्रुपिंग डुप्लीकेटिंग से रिलेटेड भी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को पहले देख ले बिकॉज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, हुआ है आज की क्लास में हम लोग करेंगे नर्वस मॉडलिंग रिलेटेड बात यानी कि यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी नर्वस मॉडलिंग क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक नर्व्स मॉडल्स भी तैयार करेंगे और उसे देखेंगे उसकी हेल्प से आप कैसे कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को आप इजिली तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स राइट सो हेलो एवरीवान वेलकम टू जी एफ ज्ञान मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रोशन चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को राइट right, तो यहां मैं आ चुका हूं माया में एंड टू क्रिएट नर्व प्रेमेटिव आप यहां शेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं एज यू कैन सी वी गेट नर्व सर्कल एंड नर्व स्क्र एंड नर्व सर्फेसेस हम लोगों को मिल जाते हैं नर्व बेस और भी बहुत सारे टूल्स हम लोगों को मिलते हैं दूसरा तरीका होता है क्रिएट में जाके नर्व प्रेमे हम लोग चूज कर सकते हैं कैन क्रिएट ऑल दिस जोमेट्रीज एज द नेम सजेस्ट नर्व नर्व स्टैंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्पाइन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म यानी कि इट इज गोइंग टू बी नॉट सिंपल और स्ट्रेट शेप इट कैन बी डिफॉर्म्ड इन एनी फॉर्म ठीक है तो नॉन यूनिफॉर्म है ठीक है बी स्प्लाइन है तो यहाँ पे हम लोग स्प्लाइन यानी कि एक पाथ को यूज करते हैं एक लाइन को यूज करते हैं एंड वी यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू ड्राइव अ शेप ठीक है नॉ नर्व प्रिमेटिव आर क्वाइट ईजियर टू से यू कैन सी इट्स काइंड ईजियर टू सी थोड़े से सॉफ्ट होते हैं आप इन्हें इससे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आप कॉम्प्लेक्स शेप्स तैयार कर सकते हैं स्पेशली अगर आप किसी तरह का ऑर्गेनिक जोमेट्री तैयार करना चाहते हैं तो दिस कैन बी वेरी क्विक टूल्स ठीक है सिमिलरली हम लोगों को पॉलीगॉन प्रिमेटिव में भी स्पीयर एंड क्यूब्स ये सब चीजें मिलती हैं बट दे आर बेसिकली मेड आउट ऑफ क्वाड बेस पॉलीगॉन्स एंड पॉलीगॉन्स के हेल्प से इन्हें तैयार किया जाता है तो जहाँ पे एक कंप्लीट शेप को तैयार करने के लिए यू नीड नंबर ऑफ पॉली काउंट्स। तो अगर मैं दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखा तो इफ आई जस्ट गो एंड चूज पॉलीगॉन स्पीय तो यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर स्पीयर बट जो दोनों का फॉर्म और शेप है दे आर बेसिकली अड्ड इन ऑर्डर टू मेक अ स्पियर यहां पे नर्ब्स में इसे ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की या फिर ज्यादा काउंट्स की जरूरत नहीं है विथ मिनिमम काउंट्स इट कैन मेक अ स्पियर वेर इन पॉलीगॉन्ट्स में यू नीड अ लॉट ऑफ पॉलीकाउंट्स पॉलीकाउंट्स की जरूरत होती है यानी कि ये जो स्क्वेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर आप एक स्मूदर सर्फेस तैयार करना चाहते नर्व्स के साथ ये नहीं होता बिकॉज बेसिकली इट यूजेज बीस प्लान यानी कि यहाँ पे कर्व यूज होता है जिसके ऊपर ये शेप ड्रॉ होता है ठीक है या सरफेस ये तैयार होता है जिस वजह से ये एक सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्री बन जाता है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यू आर यूजिंग पॉली काउंट्स टू डिफाइन तो आप सिंपल एक चीज समझ सकते हैं कि दिस इज लाइक अ पिक्सल अगर मैं इन जनरल बताओ इट इज नॉट बट अगर हम लोग थोड़ा सा रेस्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसे देखें तो कंसिडर दिस कि पॉलीगाउंड में आपको हायर नंबर ऑफ पॉलिश चाहिए जस्ट लाइक एक रेस्टर ग्राफिक में जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पिक्सल्स की जरूरत होती है क्वालिटी शेप uh, देखने के लिए या फिर इमेज की क्वालिटी के लिए एंड वेक्टर में क्या होता है आप कम शेप में भी आप हाई क्वालिटी चीजें देख सकते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी है सो इफ यू गो सेलेक्ट अ ऑब्जेक्ट एंड इफ यू गो एंड इंक्रीज द पॉलीकाउंट्स विल गेट मच स्मूदर सरफेस एंड इफ यू हैव लो सब डिविजन्स और पॉलीकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो यू विल गेट मच शार्पर और पिक्सलेटेड सरफेस ठीक है कंट्रोल करने में भी ये थोड़ा सा अलग होता है इफ़ यू सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड इफ यू सिंपली राइट क्लिक एंड गो टू कंट्रोल वर्टेक्स आप किसी भी पॉइंट को अगर सेलेक्ट करते हैं एंड इफ यू जस्ट डिफॉर्म इट यू कैन सी वॉट इज हैपनिंग ये एज अ वॉल्यूम पूरा काम होता है यानी कि इसका एक सॉफ्टनेस होता है बिकॉज ये एक पाथ से तैयार हुआ है तो इस पाथ की क्या होती है ओवरऑल एक यहाँ पे ट्रांजिशन होता है जिस वजह से जब आप इस पॉइंट को एडजस्ट कर रहे हैं तो ये पूरा फॉलो ऑफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है वेर इन पॉलीगॉन में अगर आप किसी वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं तो उस वर्टेक्स का जो कंट्रोल होता है या फिर जो इंटेंसिटी होती है वो सिंगल पॉइंट तक ही होती है ठीक है दिस डज नॉट हैज एनी काइंड ऑफ फॉल ऑफ और अगर आप इन डेप्थ इसे समझने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है बट एक ही बार में आप इसे नहीं समझ पाएंगे इट विल टेक टाइम तो मैं धीरे धीरे जैसे क्लास आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा इसे और इन डेप्थ समझ समझते जाएंगे हम लोग और इनका इस्तेमाल कब कहाँ पे किस तरह से करना है वो भी आपको धीरे धीरे समझते जाएगा एक ही लेक्चर में अगर बताने की मैं कोशिश करूँ तो आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा हाँ एक ओवरव्यू आपको आ जाएगा समझ में बट इसका एक्चुअल इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं वो आप लोगों को नहीं आएगा right, तो चलिए फिलहाल हम लोग नब्स देखते हैं यहाँ पर तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ लेट्स गो अगेन टू क्रिएट नब्स वी गॉट कर सकते हैं इन टूल्स के help से, easily. जो स्मूद भी दिखेंगे सॉफ्ट भी दिखाई देंगे and ये बहुत ज्यादा इजियर होते हैं कंट्रोल करने के लिए भी हाँ बट एक सर्टन लिमिट तक ही ईजी होता है अब लेट्स फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू डू आई वॉन्ट टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट लेट्स क्या बनाना है मुझे इफ आई वो फाइल रिसेंट फाइल्स इफ आई क्लिक ऑन दिस वन लेट्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ जॉमेट्री अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक एप्पल का शेप है मैंने एप्पल बनाया हुआ है एंड इसे हम लोग पिकली बना सकते तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट शेप है ठीक है एंड इसे बनाने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है नर्व्स जॉमेट्रीज को यानी कि नर्वस्पीयर है सिलेंडर है प्लेन है ठीक है इनको हम लोगों ने यूज किया हुआ है एंड आईव क्रिएटेड दिस एप्पल तो चलिए बनाते हैं इस एप्पल को विद द हेल्प ऑफ नर्व्स क्रिएट अ न्यू सीन ये नया हम लोगों ने एक सीन तैयार कर लिया हुआ है इस तरह से नाउ विल डू लेट्स गो टू क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव्स एंड चूज हम लोगों ने ले लिया नाउ व्हाट वी कैन डू गो टू इनपुट्स एंड ओवर हियर वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन पहला ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है रेडियस विच इज लाइक द साइज स्टार्ट स्वीप यू कैन हैव अ हाफ स्पीयर ऑल्सो ओके वन थर्ड वन फोर्थ और हाफ एनी काइंड ऑफ शेप ऐसा स्टार्ट स्पीयर से आप स्वीप से अगर आप काम करें एंड स्वीप होता है आपके पास स्टार्ट स्वीप होता है यू कैन यूज दिस बोथ ऑप्शन टू डिफाइन दिस जोमेट्री और राइट यहाँ पे जो डिग्री है क्यूबिक है ठीक है तो इट यूज अर थ्री थ्री एंगल या फिर थ्री पॉइंट डिग्री जिस वजह से ये जो ज्योमेट्री जो जो है कम पॉइंट में भी इतना सॉफ्ट दिखाई देता है इफ यू चेंज इट टू लीनियर इट विल अपीयर हार्डर एंड इफ यू पुट इट ऑन क्यूबिक इट विल अपीयर मोर स्मूदर तो ये जो कर्व होते हैं ये आपके स्मूद हो जाते हैं इफ यू पुट इट ऑन क्यूबिक सेक्शंस आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा सेक्शंस की जरूरत है अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स और डेंस ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं स्पेन्स होते हैं तो दिज आर द दिस ऑरिजोटल लाइन्स इन्हें हम लोग स्पैस बोलते हैं सो इफ यू वॉन्ट यू कैन इंक्रीज दिस ऑल्सो अगर आप कोई और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड शेप तैयार कर रहे हैं तो राइट सो यू कैन चूज इट लाइक दिस सो आई जस्ट किप इट लाइक एट और सो हम लोग इस तरह से रखते हैं एंड नाउ वी हैव टू स्लोली स्टार्ट फॉर्मिंग एन एप्पल शेप और सिंस दिस ऑब्जेक्ट यूजेज एंगल्स एंड शेप तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स शेप आप ईजिली बना सकते हैं तो वट वी विल डू लेट्स क्रिएट द एप्पल तो एप्पल का पहले तो हम लोग यहाँ से टॉप सेलेक्ट करेंगे सो so, कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे इसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको राइट right क्लिक करना है एंड जैसे ही आप राइट right क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के आपको टूल्स मिल जाते हैं इस तरह से आपको बॉक्स मिल जाता है या फिर ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें से हम लोग फिलहाल चूज करते हैं कंट्रोल वर्टेक्स को कंट्रोल वर्टेक्स आपको सिलेक्ट कर लेना है And then you can see these are different types of points which we are getting. So, now what basically you can do, you can select any of this point and you can select and modify it like this. See how soft deformation we are getting. So, to create Apple, we'll select click and drag like this to select all these top points and we'll just push them down like this. इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसे पुश कर देंगे आपने देखा जैसे ही मैंने पुश किया ये पॉइंट्स गायब हो गए पॉइंट्स गायब नहीं हुए ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ आ गए ठीक है तो ये ऐसा आ जाएंगे अब आप चाहिए तो थोड़ा सा आप जूम इन करके अंदर जा सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट मॉडिफाइंग दिस शेप्स मोर ऐसे लाइक दिस इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी शार्पर शेप्स लाइक दिस न डू दैट सेलेक्ट दिस पॉइंट जस्ट डू इट अगेन तो मैं यहाँ पे इसे अंदर की तरफ पुश कर देता हूं okay. in, तो मैं यहाँ पे सेंटर को डिसलेक्ट करता हूं कंट्रोल प्रेस करके आप डिसेक्ट कर सकते हैं तो सेंटर पॉइंट को डिसलेक्ट करके अब हम लोग इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह से पुश करते वी गेट दिस काइंड ऑफ शेप ठीक है तो ये एक तरीका हो गया जैसे आप पॉइंट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं सेम हम लोग नीचे के लिए भी कर सकते हैं सो वट वी कैन डू वी कैन सिलेक्ट दिस पॉइंट्स ना एक चीज आप ध्यान दें जब भी आप क्लिक करके ड्रैक करके सिलेक्शन बनाए अगर पॉइंट सिलेक्ट हो जाते तो अब इसे डायरेक्टली मॉडिफाई करना स्टार्ट ना करें एज यू कैन सी मैंने सिलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है बट हमारे पीछे के भी कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए तो वी डोंट वॉन्ट दिस तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसे डी सिलेक्ट कर लें ठीक है कंट्रोल प्रेस करके हम लोगों ने डी सेलेक्ट कर दिया एंड अब हमारा पिवेट जो है वो यहाँ आ गया एंड नाउ वी कैन मूव दिस थिंग लाइक दिस एंड लेट्स डू द सेम थिंग जूमघर करके अंदर आते हैं सेंटर पॉइंट को डी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हम लोग इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करते हैं ताकि ये ऐसा शेप बन जाए और राइट right. तो इस तरह से आपने इसे मॉडिफाई कर लिया अब आप और भी तरीके से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़ यू जस्ट राइट क्लिक गो टू हल तो ये एक ऑप्शन मिल जाता है आपको हल का इट इज लाइक कि पाथ आपको मिल जाते हैं जिसको आप सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं सो लेट से इफ यू सिलेक्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस लाइन्स ये जो ऑरेंज लाइन जैसे आपको मिल जा रहे इनको क्लिक करके आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस तो थोड़ा सा इसे एक एप्पल के शेप जैसा डिफॉर्म कर देते हैं एकदम प्रिसाइसली नहीं बनाएंगे बट ये मॉडिफाई like so, we'll like तो आप अपना टाइम ले सकते हैं इजिली धीरे 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 आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं मैं थोड़ा सा क्विटली करूंगा बिकॉज हमारी वीडियो है तो आई जस्ट डोंट टू की पॉन मॉडिफाइंग इट राइट तो ये आप देखेंगे तो हमारा ये शेप बन गया आप इसे और चाहिए तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेस शेप बन गया एक ऑर्गेनिक शेप है कितना आपने देखा ईजिली बन गया अब आप चाहिए तो इसे और डिफॉर्म कर सकते हैं कुछ रैंडम शेप्स इसमें डाल लें तो आप यहाँ पर आके कंट्रोल वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली मॉडिफाई दो थिंगस ऑल्सो ठीक है तो कुछ आप इसमें रैंडम शेप या डिफॉर्म्स एड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये रियलिस्टिक एक शेप जैसा दिखे राइट तो यू कैन कीप ऑन मॉडिफाइंग तो यहाँ पे मैंने फ्लैट किया है थोड़ा सा बिकॉज एप्पल है तो अगर आप एप्पल्स देखेंगे भी तो वो रियल वर्ल्ड में सिंपल शेप नहीं होते थोड़े से डिफॉर्मड या डेंटेड होते हैं और राइट right, थोड़ा ज़्यादा हो गया लग रहा है जस्ट मॉडिफाई दिस अगेन रेक्ट right. तो इस तरह से हो गया अब हम लोगों को क्या तैयार करना है जो एप्पल के बीच में से इस तरह से एक स्टेम जैसा तैयार हुआ रहता है हम लोगों को उसे बनाना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे विल गो टू क्रिएट नीमेटिव एंड वील गोइंग टू चूज सिलेंडर सिलेंडर हमारा बन गया हम लोग इसे बाहर ले, ले लेते हैं अगर आप सिलेंडर बना लेते हैं आपको दिखाई नहीं देता है तो मेक श्योर sure करें कि आप आउटलाइनर को चेक करें आउटलाइनर में जाके पहले चेक करें या फिर आप इसे वायर फ्रेम पर डाल दें इस तरह से या फिर आप यहाँ पे कीबोर्ड पे फोर दबा सकते हैं मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कीबोर्ड शॉर्टकट भी बताई थी फोर आप दबा के वायर फ्रेम बोर्ड में जा सकते हैं जस्ट टू चेक एंड यू कैन सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट और उसे आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं तो ये बेनिफिट होता है वायर फ्रेम में काम करने का नेक्स्ट अगर आप वापस पाए दबाएं तो आप आ जाएंगे शेडेड व्यू में या फिर आप यहाँ से आके भी क्लिक कर सकते हैं या शेडिंग में जाके शेडेड भी आप चूज कर सकते हैं यानी कि स्मूथ शेड ऑल करेक्ट तो अब ये हमारा पाइप जैसा शेप बन गया नाउ यू कैन डू यू कैन जस्ट एडजस्ट द रेडियस तो लेट्स मेक इट स्मॉलर हम लोग यहाँ पे इसका हाइट रेशो कर देते हैं। अब आप देखेंगे मैं हाइट रेशो यहाँ पे मैंने बढ़ाया ठीक है थीके? इस तरह से यू कैन सी कि ये टेन वैल्यू से अब ऊपर नहीं जा रहा है मैंने यहाँ पे क्लिक किया मिडल माउस से लेफ्ट राइट -right कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं कि हमारा बढ़ नहीं रहा बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम रेंज इट विल गो बट ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते यू कैन सिंपली कम एंड मैनुअली इनपुट द वैल्यू तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टाइप थर्टी यू कैन सी ये हमारा सिलेंडर इंक्रीज हो गया यू कैन पुट मोर वैल्यूज लाइक फोर्टी ऑल्सो लाइक सो एंड वी कैन सिलेक्ट इट एंड आई कैन जस्ट ब्रिंग इट ओवर हियर एंड अब हम लोग थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करेंगे नाउ वी नीड मोर सब डिविजन ऑन दिस वन तो आप यहाँ पे स्पैंस में आ सकते हैं यू कैन इंक्रीज द स्पैंस लाइक दिस तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एजेस एड हो गए सब डिविजन वाई वी नीड सब डिवीजन बिकॉज मुझे इसे थोड़ा सा डिफॉर्म करना है तो अगर मैं कंट्रोल वर्टेक्स में जाऊँ तो वी गेट पॉइंट बट ये थोड़ा सा ऐसा होता है so, तो इफ वी गेट मोर पॉइंट तो हम लोग थोड़ा 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 करके उसे और अच्छे तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं तो लेट मी पुट समथिंग लाइक टू और थ्री फोर स्पैस नाउ राइट क्लिक कंट्रोल वर्टिक्स नाउ वी गेट दिस का सो वी कैन जस्ट रेंडमली मॉडिफाई देन वी कैन जस्ट सिलेक्ट इट एंड वी कैन जस्ट ट्राई टू बेंड इट तो मैंने क्या किया इस सबको सिलेक्ट किया एंड हम लोग यहाँ पे रोटेट टूल ले लेते हैं एंड वी कैन जस्ट रोटेटेड इन अ सर्टन एंगल लाइक दिसक दिस इसे रोटेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन मूव इट ऑल्सो लाइक सो लेटर इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट स्केल दो थिंग्स टू हैव अ इवन शेप या थोड़ा ज़्यादा पतला ना ही लगे तो आप इसे मॉडिफाई करते जा सकते अब ये आपके प्रेफरेंस पे है आप इसे कितना मूव करना चाहते हैं आप रेफरेंस देख सकते हैं एक एप्पल का फोटो ले लें एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट मॉडिफाइंग इट ओके सो एल जस्ट कीप इट समथिंग लाइक दिस एंड ये हमारा एक बेसिक एप्पल शेप जैसा बन गया ना आई वॉन्ट टू क्रिएट द लीफ मुझे लीफ तैयार करना है सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लीफ वॉट आई डू लेट्स गो टू क्रिएट नर्व्स एंड आई चूज अ प्लेन प्लेन फ्लैट चाहिए हम लोगों को हम लोग प्लेन ले लेते हैं एंड वी कैन जस्ट मूव इट लाइक दिस एंड वी कैन जस्ट मेक इट अ लिटिल बिग let's increase the length ratio which i say Make it to like so and then if i just right click go to control vertex we can see we are getting this points which we can modify Again, but these are not enough subdivisions so we have to put more divisions so let's come over here we get options of patch u and patch v so uv patches if we select this one

Go to control vertex and what you can do, you can just simply select this shapes and you can just start modifying it. तो so, चलिए थोड़ा सा इसे लीफ जैसा बना लेते हैं तो so, अब आपने लीफ देखी होगी कि लीफ कैसी होती है तो आप उसे उस हिसाब से मॉडिफाई करना स्टार्ट करें लाइक दिस ओके ना इन ऑर्डर टू वर्क ऑन सिमेट्रीज सिमेट्रीज यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ तो इट शुड अफेक्ट ऑन द अदर साइड ठीक है दूसरे साइड भी अफेक्ट होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल जोमेट्री तो आप क्या कर सकते हैं इफ़ यू कम ओवर यर ऑन योर स्टेटस लाइन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिमेट्री का तो सिमेट्री में आप क्लिक करें अब आप देख लीजिए कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस है बिकॉज दिस इज वेयर इट इज फेसिंग ये एक्स एक्सिस है तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे सिमेट्री ऑप्शन में एंड वी क्लिक ओवर हियर एंड चूज ऑब्जेक्ट एक्स एंड देन राइट क्लिक कंट्रोल वर्टिक्स एंड इफ आई सेलेक्ट दिस वर्टिक्स यू कैन सी इट इज सेलेक्टिंग दिस साइड ऑल्सो सो ऐसे में इन पॉइंट्स को अगर सेलेक्ट करता हूं तो हमारा अपोजिट साइड का पॉइंट भी सिलेक्ट हो जाएगा सो ना इट इज इजियर फॉर मी टू मॉडिफाई कैन सी लाइक सो तो हम लोग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं लाइक सो यू कैन मूव रोटेट और स्केल और डू एनीथिंग दैट वी लाइक इस तरह से एंड वी कैन हैव दिस जोमेट्री मॉडिफाइड तो ऐसे आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं जस्ट सेलेक्ट दिस पॉइंट्स एंड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग देम लाइक अ लीफ तो एक लीफ के जैसा आप इसे ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो जस्ट टेक दिस थिंग्स डाउन धीरे धीरे हम लोग करेंगे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप आराम से करें टाइम लगेगा थोड़ा सा शेप और सब चीज़ों को प्रॉपरली फॉर्म में लेके आने में तो यू कैन जस्ट सी आर डूइंग इट और ये पैचेस और ये जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है स्मूथ होता है तो ये थोड़ा सा ऐसा डेंटिंग वेंटिंग तैयार होगा इससे जब आप मूव करेंगे बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट शेप्स तो यू हैव टू एडजस्ट दो पॉइंट्स अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आप उसे मॉडिफाई करते जाए तो पॉइंट्स आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करने हैं एंड देन यू कैन डू द चेंजेस राइट मॉडिफाइंग इट जब तक आपका शेप नहीं आ जाता तब तक आप इसे मॉडिफाई करते रहें इस तरह से और राइट right. तो मैं क्विकली इसे सेट कर लेता हूँ एंड देन आई शो यू ना फाइनल रिजल्ट बिकॉज इट विल टेक टाइम टू सेटअप दिस थिंग तो आप लोग भी आराम से इसे करें एंड जस्ट देन शेयर योर फाइनल वर्क विथ मी ओके मैं इसे क्विकली सेट कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने इस लीफ को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया है आप भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं एंड अब बारी आती है इसके बीच में किसी स्टेम को तैयार करने की ताकि हम लोग इस लीफ को वहाँ पे अटैच कर सके या फिर रख सके सो so, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे इस शेप का विच इज़ आवर नब सिलेंडर और वी गो टू क्रिएट सिलेंडर एंड हमारा सिलेंडर बन गया इसे हम लोग लेके आ जाते हैं यहाँ पे लेट्स मेक इट स्मॉल रेडियस हम लोग थोड़ी छोटी कर लेते हैं एंड लेट्स इंक्रीज द हाइट रेशियो अगेन लेट्स इंक्रीज द सेक्शंस एंड मेक इट सिक्स एंड लेट्स इंक्रीज द हाइट बाय समथिंग थर्टी फोर्टी वी वॉन्ट लेटर वी कैन जस्ट इंक्रीज इट लेट्स रिड्यूस द रेडियस ऑफ बिट मोर पॉइंट पॉइंटिंग लाइक दिस एंड अब हम लोग क्या करते हैं इसे भी रोटेट करके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे लाइक दिस लेट्स इंक्रीज द हाइट लिटिल बिट मोर ऐसे सो दैट वी कैन मॉडिफाई दिस थिंग तो अब हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल वर्टेक्स या हल चूज कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट सिंपली मूव दैम लाइक सो एंड जैसा हमारा ये लीफ का शेप है उस शेप के हिसाब से हम लोग इसे सेट कर देते हैं ठीक है तो थोड़ा आपको टाइम और जाएगा इसमें अच्छी तरीके से सेट से करने में इसे इंटरसेक्टिंग रखेंगे बिकॉज अगर हम लोग ओरिजिनल लीफ में भी देखें तो ये इंटरसेक्टिंग शेप होता है दूसरी चीज़ आप यहाँ पे इसे स्केल कर सकते हैं पतला करके रख दें ठीक है जस्ट डू इट थिंक नाउ यू कैन सी मेरा जो पीवेट है ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है यह किधर और आ रहा है सो आई एम सेलेक्टिंग इट एंड आई आम स्केलिंग इट इट इज स्केलिंग ऑड वे रीजन ये कि हमारा यहाँ पे सिमेट्री ऑन है तो सिमेट्री को हम लोग ऑफ कर लेते हैं एंड दैन विल सेलेक्ट दिस थिंग अभी हमारा सेंटर में है एंड देन वी कैन जस्ट मेक इट मोर थिनर थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ मूव कर लेंगे कुछ ऐसे सेम इसे भी हम लोग कर लेते हैं तो मैं इसे भी क्विकली इस तरह से सेटअप करके ले लेता हूँ एंड देन आई शो यू वट बेसिकली द फाइनल शेप लुक्स लेट मी जस्ट क्विटली कंप्लीट दिस थिंग हमारा लीफ के ऊपर इस तरह से इसका स्टेम ऐड हो चुका है एंड नाउ व्हाट वी कैन डू वी कैन जस्ट सिंपली सिलेक्ट दिस एंड दिस एंड वी कैन ग्रुप देम सो आई गो टू एडिट एंड ग्रुप कर लेते हैं एंड देन वॉट आई कैन डू आई कैन सिंपली मूव इट इस तरह से मूव कर लेते हैं एंड लेट्स जस्ट रोटेट एंड कीप इट वो वही है तो थोड़ा सा हम लोग इस तरह से इसे रोटेट करके ऐसा रख लेते हैं ना यू कैन सी अभी हमारा जो ये पिवेट uh, है इट इज़ नॉट क्वाइट अलाइन टू माई ऑब्जेक्ट ये जो पिवेट है हमारा ये अजीब डायरेक्शन में है और हमारा ऑप्शन किसी और डायरेक्शन में मतलब ऑब्जेक्ट हमारा किसी और डायरेक्शन में तो इस वजह से अलाइनमेंट करने में डिफिकल्टी आती है सो व्हाट यू कैन डू यू कैन चेंज द पीरियड मतलब कि इसके जो वर्ल्ड अभी करेंटली ये वर्ल्ड एक्सिस में ये एज यू कैन सी जैसे मैं इसे घुमा रहा हूं नीचे आप देखेंगे तो हमारा ये जो एक्सिस है ये भी सेम उसी एक्सिस में घूम रहा है मतलब कि भले ही ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे एक्सिस में है लेकिन इसका जो मूव डायरेक्शन है इट इज ऑन द वर्ल्ड एक्सिस सो दैट इज द रीजन आप इसे अलाइन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे सो वॉट यू कैन डू यू कैन चेंज दिस थिंग सो इफ यू जस्ट गो टू मूव टूल इसे आप डबल क्लिक कर ले या फिर मैंने आप लोगों को टूल्स एंड प्रेफरेंसेस में बताया था कि आप टूल सेटिंग्स में चले जाए टूल सेटिंग से आप क्या कर सकते हैं जो एक्सिस ओरिएंटेशन है इसे आप चेंज कर दे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे पे ओके पे जैसे ही रख देंगे एंड इसे बंद कर देंगे नाउ यू कैन सी ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्सिस पे चला गया एंड नाउ इट इज प्रॉपरली अलाइंड लाइक दिस एंड अब हम लोग इसे प्रॉपरली पोजिशन कर सकते हैं रोटेशन एंड स्केल अदर थिंग्स। राइट तो ये एक हमारा एप्पल जैसा शेप बन के रेडी है एंड नर्ब्स के हेल्प से हम लोग इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं सिंपली जस्ट एडिटिंग एंड एडिंग पॉइंट्स पॉइंट्स को मॉडिफाई करना है हमारा यहाँ पे ये एप्पल एक नर्ब्स एप्पल बन के रेडी हो गया तो इसके हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं प्लेन आपने यूज़ किया तो यू कैन क्रिएट फ्लावर फ्लावर पॉट्स तो ऑर्गेनिक फैब्रिक आप कपड़े तैयार करना चाहते तो ऐसे ऑर्गेनिक जोमेट्रीज आप बहुत ईजिली नर्ब्स के साथ बना सकते हैं ठीक है बट जब हम लोग फाइनल रिजल्ट या फाइनल एनिमेशन या फिर फाइनल रिजल्ट अगर हम लोग जब तैयार करते हैं तो इसे हम लोगों को अल्टीमेटली कन्वर्ट करना होता है पॉलीगॉन्स में ही ठीक है अब यहां पे फिलहाल ये इस जगह तक प्रेजेंट करने के लिए या दिखाने के लिए या फिर इनिशियल मॉडलिंग करने के लिए बेस मॉडलिंग करने के लिए ये अच्छा होता है जहां पे आप बेस मॉडल तैयार करके आप इसे रख सकते हैं देन यू कैन सिंपली लेटर कन्वर्ट दिस थिंग तो बाद में हम लोग इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं तो पॉलीगॉन के मुकाबले यहां पे आप इस तरह से नफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे ज्योमेट्री को तैयार करने के लिए ऑलराइट सो right, so, गाइज आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आएगी नर्ब्स के बारे में आपने कुछ समझ लिया ऐसे ही नर्ब्स के अंदर आपको और भी टूल्स मिलते हैं नर्व्स पेयर क्यूब पॉलीगॉन कोन प्लेन टॉरस इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रीज को बनाने के लिए ठीक है आगे जैसे जैसे हम लोग कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेंगे तो अब इन टूल्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ठीक है एंड देन वी विल सी हाउ यू कैन यूज दिस टूल्स टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कर्व टूल्स के बारे में नर्व्स में कर्व टूल कैसे यूज होता है और कैसे इसके हेल्प से आप इवन मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स को तैयार कर सकते हैं एंड बहुत पावरफुल ऑप्शंस होते हैं आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ थिंग एंड लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप विद दिस देल्प ऑफ दिस टूल्स तो इस टूल के हेल्प से आप बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड जोमेट्रीज को बना सकते हैं right? तो वेट करिए नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे देखेंगे एंड विल सी हाउ टू यूज नर्व्स कर्व्स ओके तो फिर आज की क्लास में इतना ही आई होप क्लास पसंद आई रहेगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करके जरूर बताएं फीडबैक जरूर शेयर करें एंड प्लीज आप अगर बना रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज डू शेयर योर वर्क्स विद मी ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग